हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल महेश कवाड़े ब्लॉग्स। आज हम आए हैं मुंबई के नेहरू प्लानिटेरियम और साथ ही हम एक्सप्लोर करेंगे नेहरू साइंस सेंटर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 2 किलोमीटर है। तो जैसे कि देख पा रहे हो, हमने टिकट निकाल लिया है जो कि पर पर्सन कॉस्ट पड़ा है हमें 150 रुपीज़। नेहरू साइंस सेंटर स्पेशली जाना जाता है अपने स्काई थिएटर के लिए। तो जैसे कि देख पा रहे हो, डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट शोज अवेलेबल है यहाँ पर। टिकट काउंटर के पीछे हमारा कैंटीन है, आप देख सकते हो। तो गाइस, हुआ ऐसा है कि संडे होने के कारण यहाँ पर सभी शोज की टिकट बिक चुकी थी, बट चिंता की ज़रूरत नहीं है, हमें 7 बजे की टिकट मिल चुकी है। तो अब हम 3 घंटे तो यहाँ वेट नहीं कर सकते, तो हम आगे चले गए म्यूज़ियम देखने के लिए। म्यूज़ियम में काफ़ी सारी पेंटिंग्स है और बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में डिटेल अवेलेबल है। अगर आप प्लानिटेरियम आते हो तो म्यूज़ियम विज़िट करना मत भूलिएगा। नेहरू साइंस सेंटर विज़िट करने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वेस्टर्न लाइन से आता है महालक्ष्मी और सेंट्रल लाइन से आता है बायकला। यहाँ पर कैमरा यूज़ करना अलाउ नहीं था गाइस, सो आई एम सो सॉरी। मैं आगे की चीज़ें आपको नहीं दिखा सकता, बट हम यहाँ से चलते हैं नेहरू साइंस सेंटर, मैं वहाँ की चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। तो हियर वी आर इन नेहरू साइंस सेंटर। तो चलिए देखते हैं नेहरू साइंस सेंटर। ये मेरे ठीक सामने टिकट काउंटर है, पर पर्सन कॉस्ट हमें 70 रुपीज़ पड़ी है। तो चलिए देखते हैं नेहरू साइंस सेंटर। बच्चों को खेलने के लिए बहुत सी जगह अवेलेबल है। मैं अपने भतीजे दक्ष को लेके आया हूँ। अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में आए हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है। साइंस सेंटर में आपको 2 कैंटीन देखने मिलेगा। लेफ्ट साइड में जो है वो सिर्फ स्नैक्स के लिए, दूसरा वाला साइंस सेंटर के अंदर है, वहाँ पे आपको लंच भी मिलेगा। अगर आपके बच्चे को फाइटर जेट दिखाना है तो एयरपोर्ट आना ज़रूरी नहीं है। तो फाइनली नेहरू साइंस सेंटर के अंदर जा रहे हैं हम। यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों अवेलेबल है। Thank you.
गाइस ये है बच्चों का सबसे फेवरेट फ्रूट प्लेट। हियर इट इज। तो यहाँ पर कुछ 3D शोज वगैरह अवेलेबल है, नॉट ओनली हियर, काफ़ी कुछ अलग जगह पे जो कि आप अपने टिकट काउंटर पे इंक्वायरी कर सकते हो। मेरे दक्ष का सबसे फेवरेट, इसने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया है। तो गाइस हुआ ऐसा है कि हम नेहरू साइंस सेंटर पहुँचे थे 5 बजे और नेहरू साइंस सेंटर क्लोज होता है 6 बजे, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं। यहाँ पर कुछ 3 से 4 फ्लोर है गाइस और हर एक फ्लोर पे अलग अलग एक्टिविटीज़ अवेलेबल है, और अगर आप सभी चीज़ों का मज़ा लेना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मिनिमम 3 घंटा तो स्पेंड करिए यहाँ पे। तो गाइस 6 बज चुके हैं, नेहरू साइंस सेंटर का क्लोजिंग टाइम हो गया है। इस 1 घंटे में तो हम इतना ही एक्सप्लोर कर पाए, बट अभी भी गाइस चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। बच्चों को खेलने के लिए बहुत सी आगे और भी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। तो फाइनली हमारा नेहरू साइंस सेंटर एक्सप्लोर कर हो चुका है और हम वापस जा रहे हैं नेहरू प्लानिटेरियम। ये वर्ल्ड क्लॉक है गाइस, अलग अलग कंट्री का अलग अलग जो टाइम चल रहा होता है ये सारी चीज़ें दिखाता है, और स्पेस से रिलेटेड बहुत सी नॉलेज मिलेगी। ये देखिए मेरे सामने बहुत सारे अलग अलग ग्रहों पर हमारा वेट अभी कितना है, ये चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये मंगल ग्रह का पैनोरमा व्यू है और इसके आगे एक शॉर्ट वीडियो आप देखें कि क्या नॉलेज यहाँ पे मिलेगा आपको। बुध
अब बुध या तो मर्क्यूरी को अपनी धुरी पर घूमने के लिए पृथ्वी के 2 महीने लगते हैं, तो सूरज की एक परिक्रमा वो पृथ्वी के 3 महीनों में पूरी करता है। लेकिन अगर हम वहां जाकर रहते हैं तो वहां से देखने पर ऐसा कभी नहीं होता। बुध या तो मर्क्यूरी से देखने पर हमें दिखाई देगा कि वहां का सूर्योदय से सूर्योदय का जो समय है, यानी कि सनराइज टू सनराइज टाइम है, वो है पृथ्वी के 6 महीने जितना बड़ा। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका एक दिन उसकी साल से भी बड़ा होता है, लंबा होता है। ओके, तो क्या होगा यदि आप मर्क्यूरी पर चले जाओगे, तो आप अपनी वर्षगांठ यानी कि बर्थडे दिन में 2 बार मना पाओगे। आप लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हो ना, तो आपका हैप्पी बर्थडे दिन में 2 बार। लेकिन उसके साथ साथ आपको फाइनल एग्जामिनेशन यानी कि वार्षिक परीक्षा भी दिन में 2 बार देनी है। ओके, अब इसे कितने चंद्रमा हैं, हाउ मेनी मून्स डज इट हैव, 2 नेम। तो फाइनली 10 मिनट के सेशन के पास स्काई थिएटर के लिए डोर ओपन किए गए। हम जा रहे हैं, उससे पहले भी आपको काफ़ी सारा नॉलेज यहाँ पे देखने मिलेगा। जैसे कि देख पा रहे हो मेरे लेफ्ट साइड में मून का व्यू दिखेगा, रॉकेट दिखेंगे और कुछ अदर ग्रहों की इन्फॉर्मेशन होंगी। फाइनली हम स्काई थिएटर के अंदर अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आपका जो स्क्रीन है वो आपकी छत पर होगा। स्काई थिएटर को डोम थिएटर भी कहा जाता है। पैसा वसूले गाइस, अगर मुंबई के रहने वाले हो तो इसे मिस मत करो। तो गाइस जैसे ही शो खत्म होता है, यहाँ पे एवरी संडे एक्सेप्ट मॉनसून स्काई ऑब्जर्वेशन भी रखा गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने शुक्र ग्रह को देखा, मतलब कहाँ पे जाना है बेसिकली। उतरते ही लेफ्ट साइड को आपको जाना है, जहाँ पे गेट खुला होगा, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, बस वहीं पे आप ऊपर जाओगे, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है, काफ़ी सारे लोग दिखाई देंगे। वहाँ पे टेलीस्कोप से आपको अलग अलग ग्रह को दिखाया जाता है और हमने आज शुक्र ग्रह देखा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।